विरोध करिया मित्रों, ये कांग्रेस डिनायल मोड में आ चुकी है। पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, 5 साल का पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया। हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, अच्छा है उसका समर्थन करते थे और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया, मगर आपने क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं बाहर जाना ही उचित समझा। मित्रों, इंडी अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता, वो सहन नहीं कर सकते। एक गरीब मां का बेटा और देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है, ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया। मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी। आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, भारत माता की, मित्रों मैं और आप हमारे नेता के वखाण करें पत्रकार भी कहेंगे, एक घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है। आज देश के 70 राज्यों में, 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है, 58% हिस्से पर जिसमें 57% आबादी है वहां एनडीए का रूल है। गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है, गोवा में 3 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते, उत्तराखंड में 2 बार जीते, हरियाणा में 2 बार जीते, अरुणाचल में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, त्रिपुरा में 2 बार जीते, मणिपुर में 2 बार जीते और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था और फिर से 4th मैंडेट छत्तीसगढ़ और